सो हे गाइस, मैं इमरान खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने फोर्स से रिलेटेड बोल सकते हैं या फिर बल बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की डिटेल में सभी चीजें एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि सुपर टेट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल टॉपिक होने वाला है साइंस से हमारे पास। सो अब हमने जब फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, तो अब टाइम है हमारे पास फोर्स से रिलेटेड जो जो हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, या बोल सकते हैं पीवाईक्यूएस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हैं, उनको भी यहाँ पे कवर करते हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए 15 क्वेश्चंस की एक छोटी सी सीरीज, जो कि सुपर टेट के साइंस के कॉन्सेप्ट के लिए बल से रिलेटेड, सिर्फ फोर्स से रिलेटेड काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन में जो टॉपिक कवर किया है, फोर्स कवर किया है। फोर्स की डिटेल वीडियो आपने देख ली होगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा, ऊपर लेफ्ट में भी आपको आई कैप बटन मिल जाएगी। क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने वहां पर किए थे कवर, बल बल के नियम, गति के सारे नियम देखे थे, जड़त्व वाला कॉन्सेप्ट देखा था, संवेग देखा था, संवेग संरक्षण का नियम देखा था, उत्तोलक देखा था। काफी यूजफुल थी वो सीरीज, काफी मतलब बोल सकते काफी मतलब अच्छी लगी होगी आपको, तो उसे आप जरूर देखें डिटेल वीडियो में। उससे पहले आप इस मतलब इस वीडियो के एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से जरूर पसंद आएंगे, जब भी अच्छे से आप फेस कर पाएंगे, जब तक आप डिटेल वीडियो देख लेंगे। तो डिटेल वीडियो देखते हैं, स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट है उसके लिए। देखते हैं हमारे पास एमसीक्यू सीरीज के एमसीक्यूज है क्या, वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा, पहला नियम जड़त्व को बताता है, दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है, तीसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम देता है। जैसे मैंने उंगली पर बताया ऐसे याद रख लेना। तो द्वितीय नियम हमारे पास बल की परिभाषा देता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल बोलते हैं। फोर्स के क्या बोलते हैं, फोर्स किसे बोलते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, दोनों के प्रोडक्ट को फोर्स बोलते हैं। तो गति का द्वितीय नियम हमारे पास इसकी परिभाषा देता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। सेकंड में हमारे पास बोला है जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं। अभी बंदा ने बताया न्यूटन ने जब आपको तीन नियम था ना, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम देता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास ऑप्शन होगा, फर्स्ट में बोला गति के द्वितीय नियम तो बल की परिभाषा देता है, बिल्कुल अभी बताया। सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आपको जड़त्व का नियम मिलता है, ध्यान रखना है। तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोला है, उन्होंने बोला है किसी वस्तु का जड़त्व क्या कहलाता है। मैं आपको बता दूं वस्तु का जड़त्व होता क्या है। हमारे पास न्यूटन के गति के प्रथम नियम में हमने पढ़ा था, विराम अवस्था या गति की अवस्था में विरोध करता है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे चलाने की कोशिश करेगा, और चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करेगा। इससे रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी देखो, विराम या गति की अवस्था का विरोध करने का गुण होता है हमारे पास जड़त्व। तो ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा है बल का एसआई मात्रा क्या होता है। सबको पता है फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, न्यूटन, बहुत अच्छे से पता है, लिखा सी ऑप्शन न्यूटन हमारे पास होता है, ध्यान रखिएगा आपको। और दूसरा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ध्यान रखना, दोनों यूनिट याद रखनी आपको। न्यूटन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही मात्रक पूछा है, ऐसा ही यूनिट पूछी है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, फिफ्थ में क्या बोला उन्होंने, फिफ्थ में बोला है जब एक बस अचानक चलती है तो उसमें बैठे यात्री किस दिशा की ओर पड़ते हैं। तो जिस दिशा में बस चलेगी, बस इधर चलेगी तो यात्री उधर की तरफ झुकेंगे, पीछे की तरफ चलेगी तो पीछे की तरफ झुकेंगे। इससे रिलेटेड ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन ही फिफ्थ का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं, बहुत आसान सा मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, ये मैंने डिटेल वीडियो में बता देते, ये तुमने जड़त्व वाले कॉन्सेप्ट में एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ रेस्ट, तीनों कॉन्सेप्ट के एग्जांपल भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा है किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि में व्यक्त करते हैं। आपने संवेग का फॉर्मूला पढ़ा है, P=mv, द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन में क्लियर भी करा हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन पढ़ते हैं, सेवन क्या है, सेवन में यहां पर बोला गया है संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। संवेग का भी मैंने फॉर्मूला लिखा, यस P=mv, ठीक है, एम मतलब मास, kg, वी मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, ये इसका मात्रक होता है, लेकिन इससे रिलेटेड ऑप्शन नहीं है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यस है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, यहां पे एक चीज और भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का ऑप्शन सी में दिया है, लेकिन MTB फॉर्मूला, MT नहीं MV होगा वहां पर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है, क्वेश्चन नंबर एट भी यूजफुल है काफी, मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन है, अभी मैं इसे लिखा रहने दूं, क्वेश्चन नंबर एट के लिए इसे लिखा रहने देते क्योंकि इसे यही यूज होगा। उन्होंने बोला कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है, एक ट्रक है बड़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, चलने दो, वेग से चल रहा है उतने ही वेग से, एक स्कूटर, छोटा सा स्कूटर है, उतने ही वेग से मतलब 10 किलोमीटर की स्पीड से ये भी चल रहा है पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इसमें किसका वेग अधिक होगा। देखो आपको पता है संवेग, किसका संवेग अधिक होगा, संवेग मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी, वेग पे भी और द्रव्यमान पर भी, वेग तो दोनों का सेम है,
मास किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा उसका संवेग ज्यादा, क्योंकि मास और संवेग दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास मतलब द्रव्यमान होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी चल जाएगा ना, संवेग और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बोल सकते हैं इसका मतलब यह, अगर मास बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो संवेग भी घटेगा, तो इस केस में हमारे पास क्या, इसका मास ज्यादा है ट्रक का तो इसका संवेग भी ज्यादा होगा, ऑप्शन हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर बोला किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होगा, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, यस नो, किसी भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगी, वेलोसिटी होगी, तो एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, अगर ऑब्जेक्ट बढ़ा ही नहीं तो एक्सीलरेशन तो जीरो होगी ना, एक्सीलरेशन किस केस में जीरो होगा आपको पता चल गया, त्वरण कब जीरो होगा एग्जांपल से पता चल गया, पहला ऑप्शन जब पिंड गतिमान हो, पिंड चलता रहेगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, नहीं हो सकता, जब पिंड स्थिर होगा तब भी नहीं, यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जब पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, बल तो यहां पर लग रहा था ना, लेकिन हमने बोला है सी ऑप्शन में बिल्कुल ओके दिया है, जब पिंड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा उस केस में हमारे पास एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, 10 में बोला है एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, त्वरण तो आपकी आपको मैंने बताया एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, एफ एम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम बढ़ेगा तो एफ बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन के भी बोल सकते त्वरण के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, तो ध्यान रखना है फोर्स भी ये 5 गुना होगा तो कोई बात नहीं, फोर्स भी 5 गुना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ यही एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब इसके 5 गुना हो जाएगा, तो बोलेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 सेम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इन्होंने कॉपी कर दे दिया 11 क्वेश्चन, क्या बोला 11 में एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, सेम तो है तो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन थोड़े से घुमा दिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इन्होंने कैसे लिख रखा है बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द त्वरण, तो इन्फिनिटी की तरह बना रखा है समझ जाइएगा, तो ऐसे करके बनाना है आपको एफ अल्फा की तरह बनता है थोड़ा सा कुछ इस तरीके का ना, सो 11 का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा बोल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कोई अवर बल, बल कितना हमारे पास 0.6 केजी द्रव्यमान है, ठीक है, के किसी पिंड को 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल का परिमाण कितना होगा, बल का मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ इक्वल में क्या होता है एम ए, एम कितना है 0.6, 0.08 मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 48 048, ध्यान रखना है न्यूटन, तो 0.048 के लिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल हप्पा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हो, 13 में न्यूमेरिकल टाइप है, 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में बोला यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम मास आपकी बार कितना दे दिया 1 केजी, ठीक है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 1 न्यूटन, मतलब आपकी बार बल दे दिया 1 बल एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, उन्होंने बोला है तो उसका त्वरण क्या होगा, कोई बात नहीं कुछ भी पूछ लो हमसे, तो एफ इक्वल टू क्या था फॉर्मूला एम ए, ए पूछा है मल्टीप्लाई वाला एम आ जाएगा डिवाइड में, सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ अपॉन एम, एफ कितना है 1, एम कितना है 1, ए इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, और ए मतलब यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट लिखना ना भूले, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा बोल सकते थ्योरेटिकल है, ऑप्शंस कुछ ज्यादा बड़े बड़े दिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या कहलाता है, तृतीय नियम का कथन कौन सा है, ऑप्शन देखो आराम से क्या क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में बोला है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था का नाम ही मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट नियम है, तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, बिल्कुल ठीक है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है परंतु विपरीत दिशा में, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन पर रिएक्शन जिसे बोलते हैं, एक वस्तु पर लगाया गया बल उसकी अपोजिट, जितना मैं एक वस्तु पर ऑब्जेक्ट फोर्स लगाऊंगा उतना वो भी मेरे ऊपर लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसका थर्ड लॉ होता है, बेसिक से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन के साथ डिटेल वीडियो में बताया हो तो वहां से आप कवर कर सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 14 का। 15 में देखो, 15 में क्या बोला है, 15 वाला क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहां पर बोला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, पीवाई की उसका, तो ये ध्यान रखिएगा न्यूटन का थर्ड लॉ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है रॉकेट का सिद्धांत, तो यहां पर ऑप्शन देखो हमारे पास दिया है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज जो सुपर टेट के लिए आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, सीरीज आपको पसंद आए, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, किसी का अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।